नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आधुनिक इतिहास को जानने के लिए उससे पहले हम जो गवर्नर जनरल हुए उनके इतिहास के बारे में जान रहे थे, तो उसी सीरीज में यह भाग 3 है, जिसमें कुछ और गवर्नर जनरल के बारे में जानेंगे, जिनका कार्यकाल अवधि क्या थी उनके बारे में जानेंगे, और उनके कार्यकाल अवधि के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, उनके प्रमुख कार्य, उनके जो प्रमुख इनिशिएटिव क्या क्या थे, उन बिंदुओं पर हम नजर डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नर जनरल की जैसे हमने डिस्कस किया अवधि थी, जिनका टाइम पीरियड था, जो पोस्ट थी उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था, वो 1773 से 1858 ईस्वी के बीच जो भी प्रशासन आए हैं उनके हेड हुए थे उनको गवर्नर जनरल का पोस्ट दिया गया था। उसके पश्चात उसका नाम बदलकर 1858 के बाद, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद उसको वायसराय का नाम दिया था। तो इसके पश्चात हम वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें नोटिफिकेशन के लिए, और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नर जनरल भाग 3 है। भाग 2 में हम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनमें प्रमुख रूप से वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर और लॉर्ड वेलेसली, इन चारों के बारे में हमने लेक्चर 1 में पढ़ा। उसके पश्चात हमने लेक्चर 2 में सर जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हास्टिंग और लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में पढ़ा। तो हमने 8 गवर्नर जनरल के बारे में अब तक पढ़ लिया था। इस भाग 3 में हम बाकी के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे पहले शुरुआत होती है लॉर्ड विलियम बेंटिंक से, जिनका कार्यकाल अवधि थी 1828 से 1835 ईस्वी के मध्य उनकी कार्यकाल अवधि थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक मद्रास के गवर्नर बनकर भारत आए थे, उसके बाद उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारतीय रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई थी, जिसे पॉलिसी ऑफ नेचुरैलिटी भी बोला जाता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत में किए गए सामाजिक सुधारों के लिए एक्चुअली जाने जाते हैं। जो भी सामाजिक सुधारों को उन्होंने प्रतिपादित किया वो बहुत प्रमुख रूप से थे। आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से सामाजिक सुधारों को उनको उन्होंने लागू किया। सबसे पहले जो सबकी जो दिमाग में आ रहा होगा, सती प्रथा का अंत किया था, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही रेगुलेशन 7 के तहत किया था। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1806 ईस्वी में जब वो मद्रास के गवर्नर थे, उस समय माथे पर जातियां चिन्ह न लगाने और कानों में बालियां न पहने देने पर रोक जो लगाई थी, उसके कारण वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। तो वेल्लोर का जो विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में, गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे वो सर जॉर्ज बार्लो थे। तो सर जॉर्ज बार्लो के टाइम पे ही ये वेल्लोर का विद्रोह हुआ था, और उस समय जहाँ पर यह विद्रोह हुआ मद्रास में हुआ था, तो वहां पर जो गवर्नर थे वो विलियम बेंटिंक ही थे। उनका कार्यकाल था उस टाइम पर। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगों का अंत किया था 1830 ईस्वी में, और जो ठग थे उनका अंत करने के लिए, उनसे निपटने के लिए उन्होंने कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था। तो कर्नल स्लीमैन ने जो ये कार्य किया ठगों का अंत करने के लिए, तो उनको ठगी स्लीमैन के नाम से भी जाना जाने लगा उनके इस कार्य में, उनके योगदान को पहचानने के लिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में नियम 7वीं द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ये हमने डिस्कस किया कि इसका जो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है 1829 में, और किस नियम के तहत, नियम 7वीं के तहत, रूल 7 के तहत उन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद उन्होंने शिशु वध पर भी प्रतिबंध लगाया, क्योंकि जब हमारे राजपूत और समाज था, उसमें क्या होता था कि पुत्र को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, महत्व दिया जाता था, तो और जो लड़कियां पैदा होती थी उनको जो है ना मार दिया जाता था। तो उन्होंने एक रेगुलेशन लाए थे, उसके तहत शिशु वध पर भी प्रतिबंध लगा दिया था अपने कार्यकाल के दौरान। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में देवी देवताओं को नर बलि देने की प्रथा का भी अंत कर दिया गया था। जैसे कि हम जानते हैं हमारे समाज में देवी देवताओं को खुश करने के लिए नर बलि दी जाती थी, उसका भी इन्होंने अंत कर दिया था। ये प्रमुख रूप से जो सामाजिक सुधार थे उनमें उनका योगदान है, उन सामाजिक सुधारों को करने में और जो बुराइयां समाज में फैली थी उनको अंत करने में। सर 1833 के चार्टर अधिनियम, जिसको सेंट हेलिना एक्ट भी बोला जाता है, उस चार्टर अधिनियम में क्या क्या कहा गया था कि बंगाल और फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल थे उस समय जो, उनको भारत का गवर्नर जनरल बना गया था। ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत हुआ था, और विलियम बेंटिंक ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे
बंगाल के या फोर्ट विलियम के, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। और इसी एक्ट के तहत जो है चीन के साथ जो कंपनी का एक अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो भी समाप्त कर दिया गया था। और भारत में चाय का व्यापार पर अधिकार था, एक अधिकार, उसको भी समाप्त कर दिया था। मतलब इन दोनों का जो व्यापार था वो सभी कंपनियों के लिए यूरोप की वो खोल दिया गया था। इससे पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। एक्चुअली में चार्टर एक्ट 1813 आया था, उसमें जो और यूरोपियन कंपनी थी वो भी इंडिया में आ सकती थी व्यापार करने के लिए, एक्सेप्ट दो चीज़ों में। पहला तो चाय के साथ भारत में व्यापार और चीन के साथ व्यापार, ये केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। लेकिन चार्टर एक्ट 1813 के तहत ये भी समाप्त कर दिया था। ये कुछ प्रमुख बिंदु थी चार्टर एक्ट के तहत। और हमने एक सीरीज चालू की है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के डिफरेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए थे उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई कई चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वो सीरीज जरूर देखिएगा। और पर डे हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है ना मॉडर्न इतिहास और सबसे पहले ब्रिटिश रूल या कंपनी रूल, कंपनी शासन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लाभदायक होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिनका कार्यकाल अवधि 1828 से 1835 ईस्वी के मध्य, उनके कार्यकाल के दौरान 1834 ईस्वी में भारतीय कानूनों के संहिताकरण के लिए थॉमस बेबिंगटन मैकाले के तहत लॉ कमीशन की स्थापना की दी गई थी। एक्चुअली में जो लॉ कमीशन की स्थापना का जो प्रोविजन था वो चार्टर एक्ट 1833 में दिया गया था, तो उसी के तहत जो 1834 में नेक्स्ट ईयर इंडियन जो लॉ थे उनके कोडिफिकेशन के लिए या कानूनों के संहिताकरण के लिए एक कमेटी की स्थापना की थी। बेसिकली लॉ कमेटी थी, लॉ कमीशन था, उसके अध्यक्ष थे थॉमस बेबिंगटन मैकाले। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया कि थॉमस बेबिंगटन मैकाले के तहत जो लॉ कमीशन की स्थापना की गई थी वो किसके कार्यकाल के अवधि के दौरान की गई थी और ईयर क्या था। तो 1834 में ही की गई थी। 1835 में ही एक शिक्षा पर संकल्प आया था और लॉर्ड मैकाले मिनट के नाम से वो जाना जाता था। तो जैसे कि हम डिस्कस किए इसको लॉर्ड मैकाले मिनट के नाम से जाना जाता है। ये शिक्षा पर 1835 का संकल्प था। इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश इंडिया था उसके जो प्रशासन थे उनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि जो एजुकेशन है इंडियन को प्रोवाइड कराने का भारतीयों को वो किस भाषा में प्रोवाइड की जाए। तो इस लॉर्ड मैकाले मिनट के तहत ये डिसाइड हुआ, ये निर्णय लिया गया कि आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का ही चयन किया जाएगा और जो शिक्षा है वो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही दी जाएगी। तो ये फेमस है और काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि इलाहाबाद में उन्होंने सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना की थी। और ये काफी बार पूछा गया है कि सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत कहाँ पर स्थापना की गई थी, वो इलाहाबाद में की गई थी और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी। उन्होंने भी कुछ एक्सपेंशन किया था अपने साम्राज्य का। उन्होंने मैसूर को 1831 में, कुर्ग को 1834 और काचर को 1834 में ब्रिटिश इंडिया में विलय किया था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान, जिनके कार्यकाल अवधि थी 1828 से 1835 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल आते हैं उनका नाम है लॉर्ड मेटकॉफ, जो 1835 से 36 ईस्वी के मध्य रहे। लॉर्ड मेटकॉफ जाने जाते हैं कि उन्होंने प्रेस को मुक्त कर दिया था। मतलब उससे पहले जो है ना सेंसरशिप इम्प्लीमेंट था, मतलब कोई भी चीज अगर प्रेस में लिखने की आवश्यकता या लिखा जाता था उससे पहले जो है ना वो कंटेंट को गवर्नमेंट से परमिशन लिया जाता था कि हम प्रेस में ये चीज लिख सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट की बुराई होगी या किसी पॉलिसी की बुराई होगी उस चीज के बारे में। तो उन्होंने ये सारे सेंसरशिप खत्म कर दिए थे और प्रेस को एक फ्री एनवायरमेंट, एक वातावरण दिया था अपने जो उनके शब्द हैं और उनके जो सोच है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसी वजह से चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और उन्होंने अपने कार्यकर्ता प्रेस से नियंत्रण हटाया, ये कोई एक प्रमुख बात थी। इसके अलावा कुछ खास उनके कार्यकाल के दौरान नहीं घटा था। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, जिनके कार्यकाल अवधि थी 1836 से 42 ईस्वी के मध्य। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल के दौरान ही एक महत्वपूर्ण घटना थी कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था,
यानी ब्रिटिश और अफगान के बीच में लड़ाई हुई थी पहली, वो लड़ाई हुई थी 1838 से 42 ईस्वी के मध्य, और उसमें लॉर्ड ऑकलैंड भारत के गवर्नर जनरल थे। 1839 ईस्वी में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड के मरम्मत का कार्य शुरू करवाया था। एक दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु है कि 1839 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली तक जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी, जिसका जो हमें सबको पता होगा कि वो शेरशाह सूरी ने बनाई थी ग्रैंड ट्रंक रोड, उसका मरम्मत का कार्य, मेंटेनेंस का कार्य शुरू करवाया था। ऑकलैंड को भारत में शिक्षा चिकित्सा पद्धति के विकास और प्रसार के लिए भी जाना जाता है। जो मेडिकल एजुकेशन और जो थी उसको जो है ना उन्होंने काफी आगे बढ़ाया और उसके लिए काफी काम किया, लेकिन वो इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि उनका बहुत सेटबैक लगा था जो ऑंग्ल अफगान युद्ध के दौरान जो है ना ब्रिटिश को काफी जनमन धन का हानि उठानी पड़ी थी और काफी उनको लॉस हुआ था इस युद्ध के दौरान। तो उस वजह से जो है ना उनको उनके एक प्रेस्टीज को जो है ना बहुत धक्का लगा था, और पहला ऑंग्ल अफगान युद्ध भारत में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को बड़ा झटका देता था। एक्चुअली इस युद्ध के दौरान ना ही वो युद्ध को जीत पाया, ना ही जो है ना अफगान के साथ एक संधि कर पाए जिसकी वजह से उनको जो है ना लाभ हो। तो चलिए, ये ऑकलैंड थे जिनके कार्यकाल अवधि 1836 से 1842 ईस्वी के मध्य। भारत में सबसे असफल गवर्नर जनरल के रूप में जो है ना लॉर्ड ऑकलैंड को जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ स्टेप लिए थे अफगान युद्ध के दौरान उसको मूर्खतापूर्ण स्टेप कहा जाता है। ऑकलैंड के कार्यकाल के दौरान कुछ और बिंदु पर विचार डालते हैं जो अभी घटनाएं हुई थी। 1837 में जो अंतिम मुगल सम्राट थे, सब जानते हैं बहादुर शाह जफर, बेसिकली बहादुर शाह जफर सेकंड थे और वो मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे थे 1837 ईस्वी में। अब बहादुर शाह जफर जफर नाम से गजल और शायरी भी लिखते थे और वो अकबर द्वितीय के पुत्र थे। ये वही अकबर द्वितीय हैं जिन्होंने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड में भेजा था अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए। ये बहादुर शाह जफर उन्हीं के ही पुत्र थे। उनके कार्यकाल के दौरान ही 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मौत हुई थी, जिससे जो है ना पंजाब जो एक प्रांत था उसके जो है ना बहुत बड़ा झटका लगा था, और उसके पश्चात जो घटनाएं घटी वो आगे हम पढ़ेंगे। उसके पश्चात जो गवर्नर जनरल आए वो थे लॉर्ड एलनबोरो, जो 1842 ईस्वी से 1844 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। एलनबोरो के समय प्रथम अफगान युद्ध समाप्त हो गया था, जो कि लॉर्ड ऑकलैंड के समय शुरू हुआ था और इनके समय में वो समाप्त हुआ था। लॉर्ड एलनबोरो ने 1843 में सिंध को पूरी तरह से ब्रिटिश राज में मिला दिया गया था। ये काफी क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंध को ब्रिटिश राज में कब मिलाया गया और किसे कार्यकाल के दौरान मिलाया गया। तो 1843 ईस्वी में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, और 1843 ईस्वी में ही एक एक्ट के थ्रू दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी स्लेवरी पर जो है ना अगर प्रतिबंध जिसने लगाया था वो थे लॉर्ड एलनबोरो। और ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में कि किस साल में और किसके कार्यकाल अवधि के दौरान प्रतिबंध लगाया था दास प्रथा पर, स्लेवरी पर। तो 1843 और लॉर्ड एलनबोरो के टाइम पे। एलनबोरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल भी कहा जाता है। एक्चुअली ये जो कार्यकाल है डिफरेंट गवर्नर जनरल के, तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि उनका कार्यकाल को किस नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक्सपेंसिव पॉलिसी अपनाई या तटस्थता की नीति अपनाई या अकर्मण्यता की नीति अपनाई। तो इस तरीके से ये पॉइंट जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बिंदु। अपने शासनकाल के दौरान अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का नाम सिक्कों से हटा दिया गया था। जैसे कि हमने देखा कि हमने पढ़ा कि ऑकलैंड के समय बहादुर शाह जफर गद्दी पर बैठे थे, उसके पश्चात ही नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल आए उन्होंने जो सिक्कों पर मुगल सम्राट का नाम हुआ करता था उनका नाम उन सिक्कों से हटा दिया। यह हुआ लॉर्ड एलनबोरो के टाइम पे, जो 1842 से 1844 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड एलनबोरो के बाद जो गवर्नर जनरल आए वो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे, जिनका कार्यकाल अवधि थी 1844 से 1848 ईस्वी के मध्य। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान जैसे कि हमने 1839 में देखा कि लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हुई थी, अभी डिस्कस किया, तो उनकी डेथ के पश्चात जो है ना लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे जो प्रथम थे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ऑंग्ल सिख युद्ध हुआ, जो युद्ध लड़ा गया वो 1845-46 के मध्य लड़ा गया, और ये युद्ध जो समाप्त हुआ वो लाहौर की संधि से समाप्त हुआ 1846 में, लाहौर की संधि की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महाराजा रणजीत सिंह के इसके पश्चात जो उत्तराधिकारी हुए थे वो खरक सिंह
निहाल सिंह और उसके पश्चात जो आखिरी उत्तराधिकारी थे वो महाराजा दिलीप सिंह के नाम से जाने जाते हैं। जो महाराजा दिलीप सिंह थे 7 वर्ष ही थी उनकी जब वो महाराजा बने और उनकी रिजेंट थी जिंद कौर। उन्हीं के थ्रू जो है ना ये संधि हुई थी, लाहौर की संधि, और महाराजा दिलीप सिंह ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो लाहौर की संधि जो 1846 ईस्वी में हुई वो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम और महाराजा दिलीप सिंह के मध्य हुई थी। और ये जो सीरीज है जो उनके उत्तराधिकार थे महाराजा रणजीत सिंह, वो पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले खड़क सिंह, फिर निहाल सिंह, फिर दिलीप सिंह, ये सीरीज है। और ये सीरीज में क्रोनोलॉजी लगाने के लिए पूछा जाता है। सामाजिक सुधारों की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलिदान पर प्रतिबंध लगा दिया था। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर अंत लगाया, और जो नरबलि दी जाती थी पशुओं की, बेसिकली पशुओं की जो बलि दी जाती थी उसको भी प्रतिबंध लगाया था। और इसके पश्चात जो है ना लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने अपने कार्यकाल के दौरान कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, मानव बलिदान का भी उन्होंने अंत कर दिया था। लॉर्ड हार्डिंग को प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है, और स्मारकों की सुरक्षा का प्रतिबंध यानी अरेंजमेंट उनको प्रिजर्वेशन के लिए भी उन्होंने स्टेप्स लिए थे। लॉर्ड हार्डिंग ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता दी थी। जैसा कि हमने पढ़ा कि लॉर्ड मैकाले मिनट के दौरान ये डिसाइड किया गया कि जो भी शिक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम में दी जाएगी। उसके पश्चात उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के कार्यकाल में, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ने जो है ना अंग्रेजी जो शिक्षा से शिक्षित जो कैंडिडेट थे उनको ही सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने का प्रतिबंध किया था। नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, जो उनका कार्यकाल अवधि थी 1848 से 56 ईस्वी के मध्य। लॉर्ड डलहौजी बहुत सारे जो इनिशिएटिव थे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड उनके लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने काफी चीजों की शुरुआत की जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। लॉर्ड डलहौजी उनका नाम था जेम्स एंड्रू रामसे के नाम से भी जाने जाते हैं। काफी पूछा जाता है कि जेम्स एंड्रू रामसे का नाम जो है ना कौन थे और ये किस कार्यकाल अवधि के दौरान जो है ना गवर्नर जनरल रहे। अब तक के जो अभी हमने गवर्नर जनरल बने उसमें सबसे युवा गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता था। लॉर्ड डलहौजी का मुख्य उद्देश्य भारत में अंग्रेजी सत्ता का अधिकतम विस्तार करना था। उनका प्रमुख उद्देश्य था कि ब्रिटिश इंडिया को एक्सपेंड करना और जहां तक संभव हो सके। इसी के पद पर उन्होंने सबसे पहले दूसरा आंग्ल सिख युद्ध लड़ा, जो 1848-49 के बीच में लड़ा गया, और पंजाब को 1849 ईस्वी में कब्जा कर लिया गया पंजाब पर। और द्वितीय आंग्ल युद्ध के पश्चात जो पंजाब था उसको जो है ना ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया 1849 ईस्वी में, और जो महाराजा दिलीप सिंह थे उनको पेंशन देकर इंग्लैंड भिजवा दिया गया। ये प्रमुख बिंदु है उनके कार्यकाल अवधि के दौरान। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान ही द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया, जिसका परिणाम था कि बर्मा की हार हुई और लोअर बर्मा और वहां पर एक रीजन है पीगू वो अंग्रेजी समाज में मिला दिया गया। और ये द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया 1852 ईस्वी में। कार्यकाल था लॉर्ड डलहौजी का, जिनका कार्यकाल अवधि 1848 से 56 ईस्वी के मध्य। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके कार्यकाल के दौरान लड़ा गया और कब लड़ा गया। डलहौजी की हड़प नीति के बारे में सबने पढ़ा होगा, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। इस नीति के तहत जैसा हम जानते हैं कि अगर किसी राजा का उत्तराधिकार नहीं हुआ करता था तो अल्टीमेटली उसको ब्रिटिश जो है ना गवर्नमेंट या ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट उसको अपने अधीन कर लिया करती थी, तो उसी को ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या डलहौजी की हड़प नीति बोलते हैं। और ये डलहौजी ने स्टार्ट की थी इसलिए इसको डलहौजी की हड़प नीति बोला जाता है। इसी सीरीज में, इसी क्रम में उन्होंने सबसे पहले सतारा को जो कि 1848 ईस्वी में, उसके पश्चात जैतपुर और संभल को 1849 में, भगत 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। क्योंकि ये डलहौजी की हड़प नीति के तहत हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनकी क्रोनोलॉजी या क्रम जो है ना कालक्रम पूछा जाता है कि सबसे पहले किस जो
प्राण था उसको मिलाया। तो ये सीरीज जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। 48 में सतारा को, जैतपुर संभल को 49 में, भगत को 1850 में, उदयपुर को 1852, झांसी को 1853, नागपुर को 1854, रावत को 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया डोडोलॉजी की हड़प नीति के तहत। डोडोलॉजी ने सिक्किम को भी अपने अधिकार में कर लिया था, क्योंकि सिक्किम पर जो अंग्रेज डॉक्टरों का साथ दुर्व्यवहार का जो उनका मामला आया था उसके तहत जो उन्होंने एक छोटी सी बात के लिए सिक्किम को भी अपने अधिकार में कर लिया था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान ही एक चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, जिसे शैक्षिक डिस्पैच 1854 में बोला जाता है। इस डिस्पैच के अंतर्गत एंग्लो प्रादेशिक विद्यालयों और सरकारी कॉलेजों का उद्घाटन किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था 1854 में, किसके कार्यकाल के दौरान? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान एक थॉमसियन प्रणाली थी, जो स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की प्रणाली थी, वो इम्प्लीमेंट हुई थी और पूरे उत्तर पश्चिम प्रांत में वहाँ के गवर्नर ने उसको इम्प्लीमेंट की थी। उनका नाम था थॉमस, तो इसी वजह से उनको थॉमसन प्रणाली भी बोला जाता है। बेसिकली स्थानीय भाषा यानी वर्नोकलर लैंग्वेज में शिक्षा देना। ये रीजन था उत्तर पश्चिम प्रांत। उन्होंने ही सबसे पहले गोरखा रेजिमेंट का अगर गठन हुआ तो उसका श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और 1853 में जैसे हमने जाना, हमें पता है, ज्ञात है कि 1853 में रेलवे मिनट आया, जिसके थ्रू जो है ना, जिसके अंतर्गत मुंबई के बोरी मंदिर से ठाणे को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया। और ये 34 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन थी, और इसमें जो इंजन लगे थे उनका नाम था सिंधु सुल्तान और साहिब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 75 मिनट का ये सफर था। लेकिन इतिहास के बारे में अगर जाने तो उससे पहले इंग्लैंड में पहली रेलवे लाइन 1825 ईस्वी में चल गई थी, उसका उद्घाटन हुआ था, और स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच में ये चली थी। इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने विचार किया, हमने प्रकाश डाला लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में जो भी प्रमुख बातें हुई हैं। लॉर्ड डलहौजी के कुछ और स्टेप्स थे, कुछ और इनिशिएटिव थे जो उन्होंने लिए। उन्होंने डाक विभाग में सुधार करते हुए, लॉर्ड डलहौजी ने ही 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट लेके आए नया, जिससे डाक विभाग में सुधार हो सके। और उन्होंने ही गंग नहर का निर्माण कराया था, और जो 8 अप्रैल 1854 ईस्वी में शुरुआत की थी उसे सिंचाई के लिए खोल दिया गया था 8 अप्रैल 1854 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने ही। और लॉर्ड डलहौजी ने ग्रांटंग रोड का निर्माण का पुनः निर्माण का कार्य भी शुरू करवाया था, उसके मेंटेनेंस का कार्य, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। मेंटेनेंस जो है लॉर्ड ऑकलैंड ने शुरुआत की थी, और पुनः निर्माण का कार्य भी लॉर्ड डलहौजी ने ही चालू किया दोबारा से। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी विडो रीमैरिज एक्ट 1856 को प्रतिपादित किया। सार्वजनिक कार्य विभाग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, उसको शुरुआत जो है ना प्रत्येक प्रांत में उसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी 1854 ईस्वी में। उन्होंने एक गैर विनियमन प्रणाली भी लेके आए थे, इसके तहत नए अधिकृत क्षेत्रों में केंद्रीकृत प्रणाली की ये शुरुआत हुई थी। मतलब कोई भी कोई नया अगर रीजन का अधिग्रहण होता है तो वो सीधा सेंट्रल के हाथ में जाता है, उसी के तहत गैर विनियमन प्रणाली लाए थे ये लॉर्ड डलहौजी लाए थे। और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान वही रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज और कराची, बंबई या कोलकाता में जो पोर्ट थे, हार्बर थे, उनकी शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान ही। ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान, जिनका कार्यकाल जाना जाता है कि काफी स्टेप्स लिए थे उन्होंने और नई नई शुरुआत की थी, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं। और इसके पश्चात जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग आए, जिनका कार्यकाल अवधि थी 1856 से 1857 ईस्वी के मध्य, वो आखिरी गवर्नर जनरल थे। इसके पश्चात 1858 ईस्वी में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और महारानी का शासन हो गया यानी ब्रिटिश क्राउन का, और ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार भारत से समाप्त हो गया, उनको वायसराय बना दिया गया, तो वो पहले वायसराय और आखिरी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो वायसराय रहे थे 1856 ईस्वी से 1857 ईस्वी के मध्य। इसी पीरियड के दौरान जब वो गवर्नर जनरल रहे थे 1856 से 1857 ईस्वी के मध्य, इसी पीरियड के दौरान उन्होंने 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, जो 1893 की थी। और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही 1857 का विद्रोह हुआ था। तो सर, इस तरीके से हमने जो गवर्नर जनरल थे जिनकी कार्य अवधि थी 1873 से 1858 की, इसमें जो भी गवर्नर जनरल बन के आए उनके
कार्यकाल अवधि के बारे में जाना और उनके कार्यकाल अवधि में कुछ नए इनिशिएटिव हुए, नए प्रयास हुए, नई चीजों का जो पदार्पण हुआ उनके बारे में जाना, कुछ प्रमुख लड़ाइयों के बारे में जाना, संधि के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर से हम जो वायसराय हुए हैं 1858 से 1947 ईस्वी के मध्य, उनके बारे में जानेंगे, उनके कार्यकाल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार डालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उससे पहले आपसे अनुरोध है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें और दोस्तों के बीच में इसको जरूर शेयर करें। चलिए विदा लेते हैं और अगले लेक्चर में जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।